हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SITI टेक्निकल क्लासेस में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही होगी, बट कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा वॉल्यूम को तेज करके क्लास को अटेंड कर लेना, बाकी इस पे आगे काम कर लेंगे हम लोग। चलो तो शुरू करते हैं आज की पहली क्लास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ में। मीनू इज थैंकिंग हर फ्रेंड रीता फॉर हेल्पिंग हर बिफोर एग्जाम, व्हाट शुड मीनू से? मीनू परीक्षा से पहले अपने दोस्त रीता को धन्यवाद देना चाहती है, तो वो क्या कहेगी? व्हाट शुड मीनू से? तो मीनू क्या कहेगी? रीता आई एम सॉरी? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेगी। रीता आई विल सी यू लेटर? रीता मैं आपको बाद में देखती हूँ, बिल्कुल नहीं कहेगी। सी रीता थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, क्या कहेगी? रीता आपके सभी हेल्प के लिए, मदद के लिए धन्यवाद। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीता थैंक यू फॉर योर ऑल हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कम्युनिकेशंस? कम्युनिकेशंस क्या होता है? तो एनकोडिंग एंड डीकोडिंग, क्या होता है? एनकोडिंग एंड डीकोडिंग, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, एनकोडिंग एंड डीकोडिंग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एनकोडिंग एंड डीकोडिंग। नेक्स्ट, द टीचर सेड राइट द टॉपिक ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑन द टॉप ऑफ राइट कॉर्नर ऑफ द पेज, दिस इज। शिक्षक ने कहा कि प्रयोग का विषय का जो विषय है, एक्सपेरिमेंट है, वो पृष्ठ के शीर्ष पर दाएं कोने में लिखें। तो दिस इज यह है, क्या है? अ क्लियरली कम्युनिकेटेड इंस्ट्रक्शंस, यह क्या है? एक क्लियरली कम्युनिकेटेड इंस्ट्रक्शंस है, ठीक ना? यानी वो क्या कर देना है, निर्देश दे रहे हैं, क्लियरली आपको निर्देश दिया जा रहा है कि आप क्या करो, पेज के राइट कॉर्नर पर टॉप में एक्सपेरिमेंट को लिखो, ठीक ना? तो टॉपिक ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो क्या हो जाएगा? अ क्लियरली कम्युनिकेटेड इंस्ट्रक्शंस, आपको क्लियरली निर्देश दिया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अंकित मेड अ मिस्टेक्स एंड रिया वांट्स टू पॉइंट इट आउट टू हिम, रिया शुड से। अंकित ने गलती की और रिया उसे इसका इशारा करना चाहती है, तो रिया को क्या कहना चाहिए? आई एम सॉरी, बिल्कुल नहीं कहेगी। You are a bad person, बिल्कुल नहीं। I need to talk you about something, अस्पष्ट। I need to talk you about something, मैं तुमसे किसी चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, I need to talk to you about something. Next, when a communicator use harsh word to point out error, it will. जब एक संप्रेषक त्रुटियों को इंगित करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, ठीक ना? Harsh words का प्रयोग करता है, It will, तो यह क्या होगा? Be well received,
सॉल्व द इश्यूज, लीड टू मोर प्रॉब्लम्स, हेल्प द रिसीव। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अधिक से अधिक वो क्या करना चाहता है, प्रॉब्लम को लीड टू मोर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को पता करना चाहता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, लीड टू मोर प्रॉब्लम्स। हाउ टू रिकॉग्नाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, प्रभावी संचार को कैसे पहचाने, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को कैसे पहचाने। एक्सप्रेशंस, टर्न ऑफ वॉयस, बैड लैंग्वेज, सॉरी बॉडी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी बॉडी लैंग्वेज। तो एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉयस, बॉडी लैंग्वेज, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के अंडर में आती हैं। तो ऑल ऑफ द एबव, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, एन एंग्री पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज विल बी, एक एंग्री पर्सन का बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, तो वो कैसा होगा, एग्रेसिव होगा, क्रोधित हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी एग्रेसिव। एंग्री पर्सन यानी कि गुस्से में जो आदमी रहता है उसका क्या हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वन वे ऑफ इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल इज, अपने संचार कौशल में सुधार करने का एक तरीका है कौन सा। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल में सुधार करने का तरीका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आप देखना जरा, प्रैक्टिसिंग विथ फ्रेंड्स, ठीक ना, अपने दोस्त के साथ में प्रैक्टिस करो एंड गेटिंग फीडबैक, और उससे आप अपना फीडबैक लो कि हमने कैसा बोला या फिर कैसा कैसा एक्ट किया, ठीक ना। तो ये आप फीडबैक लोगे अपने दोस्त से, तो दोस्त के साथ में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड उससे फीडबैक लेंगे, तो ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हे आई एम शरण, मैं शरण हूँ, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, मैं कहाँ से हूँ, अहमदाबाद से हूँ, आई एम रियली फाउंड टू रनिंग एंड ट्रेवलिंग, ठीक ना, टू रनिंग एंड ट्रेवलिंग, दिस इज एन, दौड़ने और यात्रा करने का शौक रखता हूँ, ठीक ना, आई एम रियली फाउंड अ रनिंग एंड ट्रेवलिंग, मैं दौड़ने और ट्रेवलिंग यात्रा करने का शौक रखता हूँ, दिस इज एन, दिस इज एन, क्या है ये, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शंस, क्या है, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शंस, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शंस, सामने वाले को हम अच्छे से नहीं जानते उसको हम परिचय दे रहे हैं, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शंस। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ स्टडी, ब्रांचेज एंड स्पेशलाइजेशंस शुड बी कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग, अध्ययन के स्थान, शाखा और विशेषज्ञता का विवरण के दौरान सूचित किया जाता है, किसके दौरान सूचित किया जाता है, यानी आप अपनी प्लेस, स्टडी, ब्रांचेज और आप किस फील्ड में स्पेशलाइजेशंस रखते हैं, इन चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हो, तो ये कहाँ पे करते हैं, एन इंटरव्यू, हम कहाँ करते हैं, एन इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एन इंटरव्यू, इंटरव्यू में इन चीज़ों की बात करी जाती है कि हम किस ब्रांच से हैं, किस में स्टडी किया है, कहाँ से, प्लेस ऑफ स्टडी, स्टडी का स्थान कौन सा है, स्पेशलाइजेशंस और मेरी क्या स्पेशलाइजेशंस है, ये कहाँ पे बात करी जाती है, एंड इंटरव्यू में।
नेक्स्ट, व्हेन यू गिव अ स्पीच इट इज ऑलवेज बेटर टू, जब आप भाषण देते हैं तो हमेशा क्या करना चाहिए, बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, स्टैंड फिक्स्ड, आप एक जगह पे खड़े रहोगे, या फिर स्टैंड स्लोचिंग एंड बेंट, या फिर क्या हो जाओगे, आप झुकोगे, स्टैंड खड़े होगे और झुकोगे। सी, वॉक फास्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह आप जल्दी जल्दी जाओगे, या फिर डी ऑप्शन, स्टैंड स्ट्रेट, ठीक ना, आप सीधे खड़े रहोगे। एंड वॉक अ लिटिल ऑन द स्टेज कैजुअली, और थोड़ा बहुत आप स्टेज पे कैजुअली वॉक करोगे, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सीधे खड़े रहेंगे और स्पीच के दौरान थोड़ा बहुत हम कैजुअली वॉक करेंगे ऑन द स्टेज, ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूज रिपोर्टर ऑन टेलीविजन्स नीड टू मेंटेन प्रॉपर लेवल्स ऑफ, टेलीविजन पर समाचार संवाददाताओं को का उचित स्तर बनाए रखने की आवश्यकता होती है, ठीक ना, किस चीज की, तो वॉयस की, आई कांटेक्ट और पॉस्चर, ठीक ना, इन तीनों चीजों की उसे आवश्यकता होती है, यानी वॉयस को आप मेंटेन रखो, आई कांटेक्ट हमेशा बनाए रखो, और पॉस्चर्स आपका क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ इफेक्टिवली हेल्प इन क्रिएटिंग अ गुड इम्प्रेशन एमंग, प्रभावी ढंग से अपना परिचय देने से के बीच एक अच्छी छाप बनने में मदद मिलती है, किसके बीच, फ्यूचर फ्रेंड, टीचर्स, फ्यूचर एम्प्लॉयज, ऑल ऑफ दिस, तो इनके बीच में कैसा संबंध बनता है, अच्छा इम्प्रेशन एमंग, क्रिएट अ गुड इम्प्रेशंस एमंग, एक अच्छा व्यवहार बनता है किसके बीच में, तो फ्यूचर फ्रेंड्स, टीचर्स और फ्यूचर एम्प्लॉयज, इनके बीच में एक अच्छा इम्प्रेशंस बनता है, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ समवन इज ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू चेंज देयर व्यू बेस्ड ऑन द वैलिड ओपिनियन ऑफ अदर, दे आर गुड कम्युनिकेटर्स, राइट कम्युनिकेटर्स, सी पुअर कम्युनिकेटर्स, एंड डी डिफिकल्ट कम्युनिकेटर्स, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अच्छा संचारक है, ठीक ना, अच्छा गुड कम्युनिकेटर्स है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, व्हेन एन अदर पर्सन इज टॉकिंग अ गुड कम्युनिकेटर विल ऑलवेज, ठीक ना, जब कोई दूसरा बंदा बात कर रहा है तो गुड कम्युनिकेटर्स क्या करेगा, ऑलवेज विल ऑलवेज, हमेशा क्या करेगा, लिसन केयरफुल्ली एंड बी पेशेंट, ठीक ना, तो ध्यान से सुनेगा और पेशेंस रखेगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बॉथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज चूज वर्ड्स टू सूट द पर्सन्स यू आर टॉकिंग टू बिकॉज, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसके अनुरूप हमेशा शब्दों का चयन करना महत्वपूर्ण है, ठीक ना, यानी हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसके अनुसार शब्दों का चयन करना,
क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इट सो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग विथ देम, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यू नीड टू शो ऑफ योर वर्ड नॉलेज, आप अपने वर्ड नॉलेज के बारे में शो करना चाहते हैं, बिल्कुल गलत है। सी, द अदर पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड योर मैसेज, ताकि क्या हो, सामने वाला हमारी बातों को, हमारे मैसेज को समझ सके। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्रेशंस के अंडर क्या क्या चीजें आती हैं? गुड आई कॉन्टेक्ट, स्टैंडिंग और सीटिंग पोजिशंस, स्माइल, ये सभी चीजें नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस के अंदर आती हैं, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाइल वी कम्युनिकेट इट इज इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशंस, जब हम क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी से, जब हम संवाद करते हैं तो किस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है? इट इज इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशंस, अटेंशन रखना किस चीज पे, आवर वर्बल एक्सप्रेशंस, आवर नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस, या फिर बी, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस पर हमें अटेंशंस देने की आवश्यकता होती है, ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस। व्हेन अ पार्टिसिपेंट इज क्वाइट ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशंस, यानी ग्रुप डिस्कशंस के दौरान जो सामने वाला व्यक्ति है, पार्टिसिपेंट्स है, वो शांत है, तब हमें क्या करना चाहिए, आई विल इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट, हम उनको क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करेंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वे ऑफ शोइंग इंटरेस्ट व्हेन यू हैव अ कन्वर्सेशन इज, जब आप बातचीत करते हैं तो दिलचस्पी दिखाने का एक तरीका है, ठीक ना, कौन सा तरीका है, सम मर्जिंग देयर आइडियाज एट द एंड, आप लास्ट में क्या करोगे, उसके आइडियाज को सबमर्ज कर दोगे, या फिर इंटरफेस एज द स्पीक, इंटरफेयर करोगे स्पीकर्स के बात में, इंटरफेयर करोगे, बिल्कुल गलत है यार। फॉल एस्लीप एज द टॉक, गलत है। द स्पीक योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन नॉट आस्क्ड, रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सम मर्जिंग देयर आइडियाज एट द एंड, ठीक ना, हम इंटरेस्ट को दिखाने के लिए क्या उससे करेंगे कि उसके जितने भी आइडियाज हैं उसको लास्ट में सब मर्ज कर देंगे, ठीक ना, लास्ट में उसकी बातों को रख देंगे, तो सामने वाला क्या हो जाएगा कि हाँ, इसने हमारी बातों को ध्यान से सुना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, सम मर्जिंग देयर आइडियाज एट द एंड, व्हेन वन वे ऑफ शोइंग इंटरेस्ट व्हेन यू हैव कन्वर्सेशन इज, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सम मर्जिंग देयर आइडियाज एट द एंड। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को सम अप करते हैं, आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी। हाँ, वैल्यूम के बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लेना, है ना, तो
थोड़ा सा वैल्यूम को इंक्रीज कर लेना, बढ़ा लेना, उसके बाद से रीड कर लेना, ठीक। बाकी इस पे काम किया जाएगा, तो खुश रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।